हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जहां दोस्तों, फवाद आलम के बारे में आपको एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ देने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स इन फोकस। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि फवाद आलम जो कि अब तक अपने क्रिकेटिंग करियर में खासे सीरियस नज़र आते थे, लेकिन अब वो अपने क्रिकेटिंग करियर को परसू करने के साथ साथ एक और करियर शुरू करने जा रहे हैं। जो दोस्तों, वो अदाकारी के मैदान में उतरने वाले हैं। जल्द ही आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, वो जल्द ही एक वेब सीरीज में एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों, आपको अहम खबर बताते चलें कि वो कोई स्पोर्टिंग रोल के अंदर नजर नहीं आएंगे, बल्कि वो हीरो का किरदार अदा करेंगे। तफसील बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको ताज़ा तरीन खबर के बारे में बताते चलें कि फवाद आलम जो कि अपने क्रिकेटिंग कैरियर में, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो फवाद आलम का इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक अहम मुकाम है। लेकिन दोस्तों, वो अब अपने क्रिकेटिंग कैरियर के साथ साथ एक और एक्टिंग कैरियर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इसके लिए उनको गुड लक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फवाद आलम अपने क्रिकेटिंग कैरियर के साथ साथ एक और कैरियर शुरू करने जा रहे हैं और एक नई वेब सीरीज़ फवाद आलम उसमें एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे, जिसका नाम है खुदकुश मोहब्बत। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि उर्दू फ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से इस खबर को शेयर किया है और इस वेब सीरीज़ के स्पॉन्सर हैं उर्दू फ्लिक्स। उन्होंने फवाद आलम को एक्टिंग कैरियर में खुश आमदीद कहा है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि फवाद आलम अपने टेस्ट कैरियर के साथ साथ क्या अपनी एक्टिंग कैरियर में भी कामयाब हो पाते हैं और ये जो नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, ये सफ़र उनके लिए कैसा साबित होता है, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन अभी हम एज अ क्रिकेट फैन और एज फवाद आलम फैन इस नए कैरियर के लिए उन्हें गुड लक बोलते हैं और खासे पुरजोश हैं।